नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई, टिक चला यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज फिर से एक VST को रिव्यू करने का टाइम आ गया है और आज का जो VST है ये एकदम फ्री VST है। इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी डॉक के अंदर इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो एबल्टन हो, क्यूबेस हो, प्रिसोनस का स्टूडियो वन हो, FL स्टूडियो, या फिर फ्री वाला जो DAW आता है जैसे केकवाक, वेब फॉर्म, इसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है थ्रू इंटरनेट। आप इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और डॉ के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसी भी VST को कैसे अपने डॉ के अंदर इंस्टॉल करना है, ऐड करना है, उसका वीडियो ऊपर आपके राइट तरफ आई बटन में है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो VST है उस VST का नाम है, यहाँ पर देखिए सिंथ के अंदर में चला आया हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर RDO लिखा हुआ है, RDO 3.33। यही वो VST है जिस VST को आज हम रिव्यू करेंगे और जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये VST किस किस को काम में आएगा, कौन कौन इसको लेके इसका मजे ले सकते हैं, कौन कौन म्यूज़िक प्रोडक्शन जो बंदे हैं उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले हम कॉल कर लेते हैं। RDO को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये खुल जाएगा। सिंपल इंस्ट्रूमेंट ट्रैक को यहाँ पर चेक रखते हुए ओके बटन में क्लिक कर देंगे और मेरा जो VST है वो RDO इधर कॉल हो जाएगा। इधर क्लिक करेंगे और इधर जो छोटा वाला कीबोर्ड का सिंबल दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। और यहाँ पर खुलते ही पहले ऑप्शन देता है, यू कैन सपोर्ट द लिस्ट ऑफ म्यूज़िक को, वेबसाइट दिखा रहा है और नो दिखा रहा है। मुझे अभी फ़िलहाल उसके वेबसाइट में घुसना नहीं है, इसलिए मैं इसको नो क्लिक कर दूंगा और उसका जो इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा। तो इसको बीच में कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं कैसा साउंड देता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ओपन करते हुए जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स इसमें लोड होता है उसी को हम सुनते हैं। तो चलिए बहुत इसको थोड़ा, इसका जो वॉल्यूम है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो चलिए अब इसको सुनते हैं। ये जो VST है ये एक सिंथ VST है और इसको आप अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा नॉब दिया गया है, यहाँ पर ADSR है, एनवेलप 2 का ADSR है, ये एनवेलप 1 का ADSR है, ये ऑसिलेटर 1 है, ऑसिलेटर 2 है, नॉइज़ है, ड्राइवर है, फिल्टर है, बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सिंथ VST के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉइज़ है तो आप इसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ये जो VST है ये VST उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जो लोग बैकग्राउंड स्कोरिंग में काम करते हैं। किसी भी शॉर्ट फिल्म का, एड फिल्म का, यूट्यूब वीडियो का जो बैकग्राउंड स्कोर करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम आएगा। इसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया है नेचुरल नॉइज़ का, जो मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। आज हम उसी को सुनाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसका कुछ प्रीसेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत सारा प्रीसेट्स खुल जाता है इसमें। तो चलिए एक एक करके हम जो रैंडमली इसको हम सर्च करेंगे और रैंडमली इसको सुनेंगे। तो पहले माइस्ट्री को क्लिक कर लेते हैं। अमेजिंग रिच क्वालिटी है इसका, बहुत ही अच्छा सुनने को, मतलब जो साउंड का, इसका जो क्वालिटी है साउंड का ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही रिच साउंड देता है। एक बार भी देखने को नहीं मिलता, एक बार भी आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये फ्री है और ये मतलब किसी भी लो, मैंने नॉर्मल VST की तरह एकदम भी नहीं लगता है, फ्री VST की तरह तो एकदम भी नहीं लगता है ये। इसका जो साउंड है मुझे बहुत पसंद है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रीसेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियस वाला है, ये नेक्स्ट वाला है। मैं नेक्स्ट वाले में क्लिक करूँगा तो उसका दूसरा प्रीसेट खुल जाएगा, उसको हम सर्च करेंगे। अभी उसका साउंड सुनते हैं, डार्क वर्ल्ड इसका नाम है।
सच्ची में ये डार्क वर्ल्ड की तरह लगता है। इसका जो आप ये है मतलब इनवेलप वन का, ऑसिलेटर वन का ये ऑन है। इसका ADSR में हम लोग इसका थोड़ा बहुत छिड़खानी करेंगे तो रिलीज को थोड़ा बढ़ा देंगे इसका। अब सुनते हैं। बहुत देर तक ये स्टे हो रहा है। आप इसको ADSR का इस्तेमाल करके इसका मन पसंदीदा जो साउंड है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एनवेलप 3, एनवेलप 2, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वाला प्रीसेट में हम लोग घुसते हैं। ये ओम एटमोसफियर है इसका नाम। इसको साउंड सुनते हैं। रिलीज को थोड़ा घटा देते हैं। बहुत ही अच्छा साउंड दोस्तों, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का साउंड देता है ये। नेक्स्ट ये एटमॉस्फेयर 2 है। आप लोग सुन रहे हैं इसका साउंड कितना अच्छा है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो लोग फ्री VST को लेके काम करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए नेक्स्ट प्रीसेट देखते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट में नहीं करेंगे, अब इसको सर्च करेंगे यहाँ पर से। चलिए पियानो देख लेते हैं एक। पियानो का साउंड कुछ खास नहीं लगा मुझे। ई पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो। अच्छा साउंड दे रहा है दोस्तों, बहुत ही रिच क्वालिटी का साउंड है। तो नेक्स्ट पियानो में जाते हैं। यह है ई पियानो 2। आहा, कितना अच्छा साउंड है दोस्तों, कितना रिच साउंड है दोस्तों, ओह दिल भर गया। मस्त साउंड है। चलिए नेक्स्ट प्रीसेट, इलेक्ट्रिक पियानो 3। बहुत ही अच्छा पियानो का आपको बहुत सारा प्रीसेट इसमें फ्री में मिल जाते। पियानो का बहुत सारा प्रीसेट इसमें आपको मिल जाएगा। आप लोग अपना म्यूज़िक प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब पियानो पे नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे कुछ रोमांटिक में जाएंगे। चलिए अमेजिंग क्वालिटी दोस्तों, अमेजिंग क्वालिटी। चलिए दूसरा प्रीसेट को देख लेते हैं, अर्बन रेन।
इसमें थोड़ा सा नॉइज़ है, आप इसको नॉइज़ को अगर कम कर देंगे तो देखते क्या होता है। नॉइज़ को कम कर दिया एकदम ज़ीरो। और नॉइज़ को एक हल्का सा नॉइज़ दे रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आपको अगर चाहिए नॉइज़ और नॉइज़लेस दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप लोग इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप और एक प्रीसेट को देख लेते हैं। लागून, लागून कैसा है देखते हैं। अच्छा है, कुछ ऑर्गन जैसा ही है। चलिए नेक्स्ट बास में जाते हैं, बास का कैसा साउंड है देखते हैं दोस्तों। बहुत ही हार्ड साउंड है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बास में क्या है देखते हैं। ए बी बास में नहीं, डिस्टॉर्शन बास को देखते हैं एक बार। बहुत ही अच्छा साउंड है दोस्तों डिस्टॉर्शन बस का। इसका जो रिलीज़ है, रिलीज टाइम को बढ़ा देते हैं, डीके को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं और सस्टेन को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक ठाक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। आपका फिल्ट बास वन, इलेक्ट्रॉनिक बास का साउंड दे रहा है दोस्तों, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट अब जाते हैं पैड के अंदर। चलिए दोस्तों पैड मुझे सबसे पसंदीदा एक इंस्ट्रूमेंट में एक लगता है पैड। चलिए अब पैड को सुनते हैं। क्या फील है दोस्तों, क्या फील है। थोड़ा रिलीज को बढ़ा देते हैं और सस्टेन को थोड़ा, सस्टेन फुल है। और चलिए अब देखते हैं। किसी भी एनवायरनमेंट को आप क्रिएट करने के लिए ये जो पैड है, पैड का बहुत ही यूज़ होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है पैड। पैड को अगर आप ठीक तरीके से आपका प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड स्कोरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये अलग सा लेवल में पहुंच जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट पैड में जाएंगे, नेक्स्ट पैड क्या है देख लेते हैं। ये सॉफ्ट पैड है दोस्तों, बहुत ही रिच, बहुत ही अमेजिंग, एकदम क्रिस्पी साउंड है इसका। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही रिच क्वालिटी का साउंड दे रहा है दोस्तों। किसी भी तरीके से ये मुझे नहीं लगता है कि ये फ्री है। नेक्स्ट ये मिड पैड वन है, करीब करीब एक ही तरह का साउंड है इसका प्रीवियस वाला। तो चलिए इसमें स्ट्रिंग पैड है, एक बार इसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। और ब्राइट पैड में थोड़ा एक बार सुन लेते हैं इसको कैसा है। ठीक ठाक है दोस्तों। चलिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट को, इसमें कीबोर्ड में जाते हैं। फंकी सोलो, फंकी सोलो में जाएंगे। उफ।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्प। मस्त पियानो, पियानो थोड़ा बहुत पहले देख लिया दोस्तों। रॉक ऑर्गन को देख लेते एक बार, बहुत सारे ऑर्गन का ऑप्शन है दोस्तों। आप लोग डाउनलोड करके इसको प्रीसेट के साथ खेल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये वाला जो VST है। तो दोस्तों इस VST का लिंक मैं अपना डेस्कटॉप के ये जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से इसको डायरेक्ट उसके साइट में घुस के उधर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे जल्द आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर देखिए इम्यूलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। ये कुछ आरपीजीटर की तरह है, तो ठीक है आप लोग देख सकते हैं। मस्टर्ड बाबा, हाँ कैसा साउंड दे रहा है। बिग बास, जिग बास, ये भी अच्छा है दोस्तों। तो चलिए अब जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं और सुनते हैं इसका जो नेचुरल साउंड इसमें प्रीसेट्स दिया गया है उस वो कैसा है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों नेचर जो एक इसका जो अलग सा सेगमेंट है इसमें हम क्लिक कर देंगे। बहुत सारा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मुझे ये काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। चलिए सी को पहले समुंदर को सुनते हैं कैसा है। सुन लिया दोस्तों, करीब करीब समुंदर के जैसा ही लग रहा है कि बहुत समुंदर में तूफान आया हुआ है और लहर इधर उधर हो रहा है। अच्छा साउंड है दोस्तों। नेक्स्ट में जाएंगे फॉरेस्ट का सुनते हैं। इसमें पंछी का आवाज़ दिया गया है, बहुत ही मुझे रियलिस्टिक लगता है ये। इसका अगर आप थोड़ा इसका BPM को थोड़ा इधर उधर करके आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक साउंड लगा मुझे फॉरेस्ट का। आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं क्या है। क्लासिक विंड है, फायर है, फायर का एक बार सुन लेते हैं दोस्तों। फायर आप इधर उधर करके ADSR या फिर EQ या फिर दूसरे कुछ फिल्टर का इस्तेमाल करके इसके साथ आप अपना हिसाब से इसको साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्लासिक विंड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप यहां से भी इसको चेंज कर सकते हैं। दो जगह से ऑप्शन है दोस्तों, इधर एक आप यहां पर से इसका प्रीसेट चेंज कर सकते हैं और यहां पर आप देख लीजिए यहां पर भी इसका प्रीसेट चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं दोस्तों। स्टॉर्म विंड मतलब थंडर, इसका अटैक बहुत ज़्यादा है। अटैक को थोड़ा और देना पड़ेगा और रिलीज को थोड़ा बढ़ाएंगे, सस्टेन को थोड़ा बढ़ा देंगे, अब इसका साउंड अच्छा हो जाएगा दोस्तों। एकदम बारिश का साउंड है, तूफान चल रहा है बाहर ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट प्रीसेट में जाएंगे।
रेन का, ये रेन का मुझे कुछ रियलिस्टिक नहीं लगता है दोस्तों। इसका कुछ मतलब 3x ऑसिलेटर या फिर 4s ऑसिलेटर यूज करके इसको बनाया गया है, तो रेन आप छोड़ दीजिए। आप कर सकते हैं रेन को भी थोड़ा EQ करके, थोड़ा फिर फिल्टर इधर उधर करके, ADSR को इधर उधर करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में जाते हैं दोस्तों, क्या है देखते हैं। थंडर है फिर से थंडर दोस्तों। थंडर मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगता है थोड़ा बहुत। तो चलिए दोस्तों, लास्ट शायद लास्ट वाला यही था थंडर। थंडर उसके बाद और एक है, क्या है ये, इसको मैं पता नहीं है क्या है। तो दोस्तों ये था करीब करीब प्रीसेट्स, और यहाँ पर मिसलेनियस है, मिसलेनियस भी आप चेक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं भी चेक कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही रिच है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देता है। नेक्स्ट अच्छा है ये भी। अच्छा है, नेक्स्ट। अच्छा है, मुझे तो सभी पसंद है दोस्तों। जस्ट आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये आपको डिसाइड करना है सिर्फ। चलिए अब देखते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मस्त, अच्छा लगा मुझे। बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। लास्ट दोस्तों खत्म हो गया, मतलब रैंडमली जितना हो सके मैं आज आपको दिखा दिया हूँ। तो आप लोग, मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग इसको डाउनलोड करें, तो एकदम फ्री है, और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और हो सके तो दोस्तों मेरी ये वीडियो को आप इसमें एक थंबनेल दे दीजिए, और मेरे वीडियो को, अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है मेरे लिए। और इसी VST के या फिर दूसरे कुछ VST के रिलेटेड अगर आपका कुछ कमेंट है तो आप लोग मुझे बताएं अपना कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। और ये जो VST है इसको यूज़ करके आपको कैसा लग रहा है, इसका साउंड आपको कैसा लग रहा है, इसका भी कमेंट आप मुझे नीचे कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सब लोग अच्छे से रहिएगा, सब लोग मस्त रहिएगा। थैंक यू।